आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में कि कैसे कोरोना वायरस दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर रहा है, इस वायरस से कैसे रिसेशन या इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगी, और साथ ही हम ये देखेंगे कि एक आम इंसान, भले ही वो दुकानदार हो, इन्वेस्टर हो या एक जॉब करने वाला हो, उसकी इनकम पे इस वायरस से कैसे असर पड़ेगा और शायद उसे अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़े। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वायरस के इतना तेजी से फैलने की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे IMF हमें आने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन की वार्निंग दे रहे हैं। दोस्तों, ये कोरोना वायरस फ्यूचर में कितना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस बनने वाला है, उसे समझने के लिए हमें कुछ नंबर्स पे नजर डालनी पड़ेगी। COVID-19 या कोरोना वायरस जो पहले चाइना से शुरू हुआ, अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब तक 6 लाख से ऊपर लोग इस वायरस की पकड़ में आ चुके हैं और 28,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर हम इस वायरस से अफेक्ट होने वाली टॉप 10 कंट्रीज पे नजर डालें तो पहले नंबर पे है USA, जहां 1,05,000 से भी ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। दूसरे नंबर पे है इटली, जहां 87,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं, और थर्ड नंबर पे है चाइना, जहां 81,000 केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, और उसके बाद स्पेन और जर्मनी में भी हालात काफी खराब हैं। अगर हम इन्हीं नंबर्स के साथ वर्ल्ड की 10 सबसे बड़ी GDP वाली कंट्रीज देखेंगे तो आपको ये अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि ये वायरस कितना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस ला सकता है, क्योंकि उस लिस्ट की टॉप 10 में से 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने वाली कंट्रीज की लिस्ट में भी टॉप 10 में आती हैं, और उनमें से 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज USA और चाइना इस वायरस से सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। दोस्तों, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि अभी तक कोरोना वायरस का ना कोई वैक्सीन है और ना ही कोई इलाज, यानी इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें और लोगों को एक दूसरे से दूर रखें। इसलिए कोरोना वायरस से अफेक्ट होने वाली कंट्रीज के पास और कोई भी रास्ता नहीं सिवाय लॉकडाउन के, यानी अपनी कंट्री के सारे बिजनेस और इकोनॉमी को ठप कर देना, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज को अभी करना पड़ रहा है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये दुनिया एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रही है। दोस्तों, कोरोना वायरस के तेजी से बदलते हुए हालात में कुछ भी कहना मुश्किल है कि ये पेंडेमिक कब खत्म होगा और इसके इकोनॉमी पे असल इम्पैक्ट क्या होंगे, क्योंकि अगर वायरस को जल्दी रोक लिया जाता है तो हालात बदल सकते हैं, लेकिन अगर चीजें थोड़ा लंबा खींचती हैं तो इकोनॉमिक क्राइसिस काफी बड़ा हो सकता है। वहीं IMF के मुताबिक कोरोना वायरस पेंडेमिक एक ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस लाएगा जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बड़ा होगा और शायद 1930 के ग्रेट डिप्रेशन से भी बड़ा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो काफी कंपनीज बैंक्रप्ट होकर बंद हो सकती हैं, काफी लोगों की जॉब्स जा सकती हैं और काफी लोगों की सैलरीज कुछ सालों तक बढ़ने के बजाय कम हो सकती हैं। दोस्तों, आइए पहले मैं आपको थोड़ा सा सिंपली समझाता हूँ कि किसी इकोनॉमिक क्राइसिस या रिसेशन में क्या होता है। जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से कुछ कंपनीज के बिजनेस बंद हो गए हैं, लेकिन अगर उन कंपनीज ने बैंक से बहुत बड़े लोन्स लिए हुए हैं और बिजनेस बंद होने की वजह से अगर वो लोन्स टाइम पे नहीं दे पाए तो कंपनीज बैंक्रप्ट होकर बंद हो जाएंगी। उसके बाद वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज जॉबलेस हो जाएंगे और उनके पास आगे कुछ महीने के लिए खर्चा करने के लिए कोई सैलरी नहीं होगी, जिससे बाकी चीजों की डिमांड भी कम हो जाएगी, जैसे सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन, स्मार्टफोन वगैरह वगैरह। और डिमांड कम होने की वजह से वो कंपनीज भी लॉस में चली जाएंगी, और अगर उन कंपनीज ने भी बहुत सारे लोन्स लिए हुए हैं तो चांसेस हैं कि वो कंपनीज भी बैंक्रप्ट होके बंद हो सकती हैं। और ऐसे हालात में बैंक्स ज्यादा लोन्स देना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका कंपनीज पे कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। इसी तरह ही इकोनॉमिक क्राइसिस में एक के बाद दूसरी कंपनी बैंक्रप्ट होती जाती है किसी चेन की तरह, और काफी लोग अपनी जॉब्स खो देते हैं, जिसकी वजह से आने वाले काफी सालों तक सारी चीजों की डिमांड्स कम हो जाती हैं और कंट्रीज की GDP ग्रो करने की बजाय डिक्लाइन करने लगती है। तो दोस्तों, अब आइए आगे ये देखते हैं कि कोरोना की वजह से कौन सी इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा तबाही फिर सकती है। सबसे पहले है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्टॉक मार्केट। दोस्तों, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टर्स फ्यूचर के हालात को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए फ्यूचर में बिजनेस पे जो इम्पैक्ट आने वाला है वो हमें स्टॉक मार्केट में सबसे पहले नजर आता है, क्योंकि इन्वेस्टर इन कंपनीज की फ्यूचर अर्निंग्स को देख के उनके शेयर्स लेते और बेचते हैं, और जब कोई ऐसी अनहोनी सिचुएशन आ जाए तो इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं होता कि आगे फ्यूचर्स में क्या होने वाला है, ये वायरस किस कंपनी को कितना नुकसान देगा। तो ऐसे हालात में अक्सर इन्वेस्टर्स पैनिक कर जाते हैं और अपने पैसे स्टॉक मार्केट से निकालने लगते हैं, जिसकी वजह से शेयर्स की प्राइसेस कम होती जाती हैं और स्टॉक मार्केट्स फ्री फॉल में चली जाती हैं। और दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही कोरोना वायरस के केस में भी हुआ है, क्योंकि सबसे पहले दुनिया की स्टॉक मार्केट्स पे हिट पड़ी, जहां चाइनीज, इंडियन और US मार्केट्स 30-40% तक गिर चुकी हैं। इन्वेस्टर्स को ये डर हो चुका है कि कोरोना वायरस इकोनॉमी को तबाह कर देगा और गवर्नमेंट्स खाली हाथ मलती रह जाएंगी।
वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स को इनकरेज करने के लिए काफी गवर्नमेंट्स ने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे सस्ते लोन्स मिल सकते हैं और वो पैसा लोग जाकर स्पेंड करके बिजनेसेस को बूस्ट दे सकते हैं। दूसरी तरफ काफी गवर्नमेंट्स अपने लोगों और बिजनेस के लिए रिलीफ पैकेज ला रही हैं, जिसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कंपनीज में वापस आ सकता है। जैसा कि हमने यूएसए में देखा है, जैसे ही गवर्नमेंट ने $3 trillion जितना बड़ा पैकेज अनाउंस किया, स्टॉक मार्केट्स में कुछ रिकवरी देखने को मिली है। दूसरी है ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। दोस्तों, कोरोना वायरस के डर के माहौल में दूसरी इंडस्ट्री जो हमें सबसे ज्यादा डैमेज होती हुई नजर आ रही है वो है ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, जिसमें एयरलाइंस, होटल्स, ट्रेवल एजेंसी शामिल है। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल के हिसाब से COVID-19 की वजह से ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में 50 मिलियन से ज्यादा लोग अपनी जॉब्स खो सकते हैं, जिसमें एशिया सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला रीजन होगा। उनके मुताबिक भले ही कोरोना वायरस आउटब्रेक खत्म भी हो जाए, इस इंडस्ट्री को 10 महीने से 1 साल लग सकता है रिकवर करने के लिए। ट्रेवल इंडस्ट्री काफी बुरी तरह से डैमेज हुई है और शायद आने वाला पूरा साल इसके लिए बुरा ही रहे। फिर भले ही कोरोना वायरस का मसला आने वाले कुछ महीनों में हल भी हो जाए, तब भी, क्योंकि दोस्तों लोगों को घूमने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस कि वो पैसा जो वो घूमने पे खर्च करने वाले हैं उतना वो जल्दी से कमा सकते हैं या नहीं, और ऐसा एक बुरी इकोनॉमी में होना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, उन्हें सेफ्टी चाहिए होती है, क्योंकि भले ही कोरोना वायरस खत्म भी हो जाए तभी ट्रेवलर्स में ये कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगेगा कि उनकी लाइफ अब सेफ एंड सिक्योर है। जहां एयरलाइंस काफी फ्लाइट्स पहले से कैंसिल कर चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ काफी ट्रेवलर्स भी अपनी बिजनेस और हॉलीडे ट्रिप्स को कैंसिल कर रहे हैं। काफी गवर्नमेंट्स भी पूरी दुनिया में ट्रेवल बैन लगा रही हैं, और ऐसे हालात में ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को दोबारा नॉर्मल पे आते आते कम से कम 1 साल लग सकता है। नंबर 3, ऑयल इंडस्ट्री। ऑयल प्राइसेस अब तक 2020 के सिर्फ 3 महीने में 67% तक गिर चुकी हैं। 2020 के स्टार्ट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइसेस $61 पर बैरल थी, वो अब गिर के सिर्फ $20 पर बैरल आ गई हैं, जो कि पिछले 20 साल की सबसे कम तरीन लेवल है। दोस्तों, ऑयल प्राइसेस पहले ही रशिया और सऊदी अरेबिया के प्राइस वॉर के चलते हुए काफी नीचे आ गई हैं, और अब कोरोना वायरस की वजह से और ज्यादा गिर रही हैं। दुनिया भर में लॉकडाउन और ट्रेवल बैन्स की वजह से सारी एयरलाइंस और ट्रांसपोर्ट बंद है, जिसकी वजह से ऑयल की डिमांड भी काफी गिर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ प्राइस वॉर की वजह से सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज अपनी सप्लाई बढ़ा रही हैं, यानी डिमांड कम हो रही है और सप्लाई ऊपर जा रही है। ऐसे हालात में प्राइसेस पे काफी प्रेशर आ चुका है। कम ऑयल प्राइसेस का मतलब है काफी कंपनीज जिनकी ऑयल एक्सप्लोरेशन कॉस्ट ज्यादा है आजकल की प्राइस से, वो अपनी प्रोडक्शन बंद कर सकती हैं, जिसकी वजह से काफी ऑयल रिच कंट्रीज की इकोनॉमी और जॉब मार्केट काफी खराब होने के चांसेस हैं। तो अगर आप किसी ऑयल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो एटलीस्ट अगले कुछ सालों के लिए अपनी सैलरी का बढ़ना और बोनस बिल्कुल भूल जाएं। और अगर आप ऑयल इंडस्ट्री में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए आगे कुछ साल काफी टफ होने वाले हैं। नंबर 4, स्मार्टफोन इंडस्ट्री। स्मार्टफोन इंडस्ट्री कोरोना वायरस के चलते हुए दोनों तरफ से फंस चुकी है। जहां एक तरफ से चाइना से सप्लाईज नहीं आ रही, वहीं दूसरी तरफ से लॉकडाउन की वजह से डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई। दोस्तों, इसी महीने सैमसंग ये अनाउंस कर चुका है कि उसके लेटेस्ट S20 की सेल्स काफी कम आई हैं। वहीं एप्पल भी अपने इन्वेस्टर्स को ये वार्निंग दे चुका है कि वो अपने इस क्वार्टर के प्रॉफिट के टारगेट्स को मिस करेगा। दोस्तों, चाइना जो दुनिया में स्मार्टफोन बनाने का हब है, वहां सप्लाईज डिस्टर्ब हो चुकी हैं। एनालिस्ट के हिसाब से सिर्फ फेब 2020 में स्मार्टफोन शिपमेंट्स 38% तक गिर चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से कस्टमर्स चाहते हुए भी स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते। ऐसे हालात में स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है कि चीजें जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाएं, जो कि फिलहाल होता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है। दोस्तों, ये थी कुछ इंडस्ट्रीज जहां कोरोना वायरस की वजह से हमें नुकसान नजर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी काफी इंडस्ट्रीज हैं जो COVID-19 से इम्पैक्ट होंगी, और जहां इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नजर नहीं भी आ रहा, वहां भी ओवरऑल इकोनॉमी गिरने की वजह से असर जरूर पड़ेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वायरस जल्दी खत्म हो जाए और लोगों की जान और माल दोनों बच जाए।